छात्रों नमस्कार, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर R029 में आपका स्वागत है। आज R029 के प्रत्येक प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन बारी बारी से देखिए। आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न। छात्रों पहला प्रश्न जो सीरीज कॉम्पिटिशन का है, आप इसे अल्टरनेट देखने की कोशिश कीजिए। ये +52 + 52 + 52 है, और अगर आप इस अल्टरनेट को देखेंगे यहाँ पर देखिए +73 + 73, और यहाँ भी आपको +73 कर देना चाहिए। तो हो गए 4 × 3 = 7, 6 × 7 = 13, 1 × 4 = 437, और आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो क्लासिफिकेशन का है, आसानी से आप राइट टू लेफ्ट देखें। 7² - 1, 4² - 1, 3² - 1, ये 8² - 1 नहीं है, अर्थात हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेटर सीरीज का है। अब चूंकि छात्रों इसमें आप देख पा रहे होंगे कि नोट ऑफ इंट्रोगेशन थोड़ा लेफ्ट में है, तो हम लोग राइट टू लेफ्ट चलें तो बेहतर। P Q R छोड़कर S, T U छोड़कर V, W X छोड़कर Y, लास्ट में Y, L M N छोड़ के O, P Q छोड़कर R, S T छोड़कर U, A B C छोड़कर D, E F छोड़कर G, H I छोड़कर J, अंत में J U Y यहाँ है और कहीं भी नहीं है। आपको जवाब ऑप्शन नंबर D इतने में से दे देना चाहिए था। आगे आइए, यह प्रश्न जो मैथमेटिकल ऑपरेटर को रखकर आप बनाते हैं, इसे एक एक कर ऑप्शन को रखकर आप जांच करेंगे। यह प्रश्न ब्लड डिलीशन का है। देखिए एरो मेथड का इस्तेमाल करते एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, तो एक महिला रोहन ने कहा क्या कहा रोहन ने, सुनिए। इसकी पुत्री का पुत्र मेरी पत्नी यानी रोहन की पत्नी की पुत्री का भाई है। था तो देखिए इनकी पत्नी की पुत्री यानी इन्हीं की बेटी, बेटी का भाई इन्हीं का बेटा, इनको यह भी बेटा कह रहे हैं, और यह महिला चूँकि यह महिला है पुत्री है तो यह भी बेटी बेटा कह रही है, यह महिला भी बेटा कह रही है, यह पुरुष भी बेटा, यानी ये दोनों हो गए पति पत्नी, इनकी हो गई ये पत्नी। इनकी पत्नी इस महिला की बेटी है, यानी ये हो गई सास, मदर इन लॉ। पूछा भी वही है, महिला रोहन से कैसे संबंधित है, तो मदर इन लॉ। निश्चित तौर पर जवाब आप लोगों ने दिया होगा। आइए अगला प्रश्न ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी का है। ये ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी सब लोगों ने ये बनाया होगा निश्चित तौर पर, ध्यान से देखिए। 5 में 2 जोड़ दीजिए, 7, और खुद इस 5 को गुना कर दीजिए, 35 मिले। ये काम यहाँ करके आप देखेंगे 14 में 2 जोड़ेंगे, 16 × 14 = 224। सेम काम क्या करना है, 9 में 2 जोड़ दें आप, 11, और उसमें 9 से गुना कर दें, 99। ये जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। छात्रों यह प्रश्न आप देखें, यह प्रश्न पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सीधा मिरर इमेज होगा। ध्यान देंगे यहाँ हम चित्र बना देते हैं। यह त्रिभुज ऐसे है और यहाँ पर एक गोला है। जब इसको इधर खोलेंगे तो इस गोले का यहाँ ऐसे और इसका ऐसे बनेगा मिरर, और यहाँ ये मिरर बनेगा। अब इन सबों का मिरर नीचे अगर बनेगा तो ऐसे ऐसे दो गोला यहाँ और एक यहाँ पर मिरर, एक यहाँ। मिरर पर ही जहाँ जहाँ पेपर मुड़ता है खोलते वक्त वहाँ मिरर इमेज बनाए, आप ऑप्शन से मिला लेंगे। अगला प्रश्न, डिक्शनरी वर्ड का है। ऑप्शन पर नज़र बनाए रखिएगा, बनाते हैं नज़र, ध्यान दीजिएगा। ये KN KI 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 का 4 है। आइए KI T
टी के आई एन, अब के आई एन के आई एन के आई एन तीन है। अब ध्यान दीजिए के आई एन के आई एन के बाद एस ई और डी, सबसे पहले डी एक नंबर पर, दो नंबर पर ई, तीन नंबर पर, यानी हमारा जवाब होगा 5 4 3 तो कंफर्म। 5 4 3 से एक ही ऑप्शन है छात्रों, क्यों आगे टाइम वेस्ट करें, निकलते हैं यहाँ। प्रश्न का जवाब मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न फिर से आता है ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी का। देखिए इस ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी के प्रश्न को, पहले एलिमेंट में 7 में 3 जोड़ा, मिले कितने 10, में इसी 7 को गुना कर दिया, 70 + 1 = 71 आया ना। तो 13 में 3 से 3 जोड़ेंगे आप, हो जाएगा 16, 16 में 13 से ही गुना करना है, 208 + 1 = 209। सेम काम अब आप 16 के साथ करेंगे, 16 में आप 3 जोड़ दीजिए, हो गए 19। अब 19 में 16 से गुना कर देना है, 19 में 16 से गुना कर देना है, हो जाएगा 304 और 1 जोड़ देंगे, आपका जवाब 305 ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत ही आसान है छात्रों, जोड़ने की कोशिश करें आप। जोड़ें 16 14 और 16, हो गए कितने 30 15 45 5 50 का दोगुना 100। एक को भी चेक कर लेंगे। अब एलएपी दिया तो हम लोगों का क्या करना है, 12 + 1 + 16, तो 12 1 13, 13 10 23 6 29, 29 को दोगुना कर देना है, आपका जवाब 58 आ जाता है। आइए फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, कलम का प्रयोग नहीं करना है, तेज गति में बनाने की कोशिश करनी है, और आप ऐसा ही कर रहे होंगे निश्चित तौर पर। ध्यान से देखिए सब लोग, एस 19 होता है 38 कर दिया, 20 होता है टी का 40 कर दिया, ए का 1 होता ही है, 20 का 40, ई का 5, आप समझ गए होंगे कॉन्सोनेंट को दोगुना और वोवेल को कॉन्स्टेंट रखा, उसकी प्लेस वैल्यू में रखा, कॉन्स्टेंट को दोगुना, कॉन्सोनेंट को दोगुना, इसको तो 1 रखना है, इसको भी 5 रखना है, इसको भी 1, क्योंकि वोवेल को तो सेम रखा, ये 18 को कर देना है 36, 14 को कर देना है 28, 13 65 281, 13 65 281 ढूंढिए ऑप्शन नंबर बी। आइए यह प्रश्न भी बहुत आसानी से आप देख पा रहे होंगे, आंखों के इशारे से बन रहा होगा भाई यह प्रश्न, बिल्कुल बन रहा होगा, ध्यान से देखिए। तो ऐसा है BIRT को उधर ले गया आधे को, HDAY CHIL देखिए वहाँ ले गया, DREN को यहाँ ले, हम लोग करते हैं PROG को लास्ट में लेकर चले जाते हैं, PROG और RESS को पहले ले आते हैं, RESS ऑप्शन में से ढूंढ लेते हैं, RESS PROG ये जवाब रहा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सिलोजिज्म का है, लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए ऑल हट्स आर हाउसेस, आर हाउसेस, नो विला इज हाउस, हाउस से गया तो हट से तो जाना ही जाना है, सम बिल्डिंग्स आर विला, हालांकि बिल्डिंग्स इसमें आ सकता है छात्रों, ये बात ध्यान रखेंगे पॉसिबिलिटी के केस में, सम बिल्डिंग्स आर हट्स, सम बिल्डिंग्स आर हट्स नहीं होगा यहां देख रहे हैं आप, सम हाउसेस आर बिल्डिंग, सम हाउसेस आर बिल्डिंग यहां नहीं हो रहा है, दूसरा नो हट्स इज ए विला, हट और विला बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, ओनली 3 फॉलो। ये प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का है, इसे खींचने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को +11 +12 +8 +35 +19 यहाँ पर 144 और यहाँ पर +108 है, और खींचिए ये 1 जोड़ा है, ये घटाया है 4 घटाया है,
ये जोड़ा है 27 जोड़ा है, यहाँ से पकड़ाता है 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, यहाँ पर जोड़ा होगा माइनस करेगा 4 का स्क्वायर, 16 किया है, ठीक है। यहाँ पर 5 का क्यूब जोड़ेगा 125, बिल्कुल सही। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 36 जोड़ा है, बिल्कुल सही। यहाँ पर हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस, ये हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 16 प्लस, यहाँ माइनस माइनस है ये, प्लस 343 अगर होगा, 8 3 11 1 बाकी 1 34 10 44 45 451 जोड़ेंगे इसमें, 2 1 3 5 4 9 4 3 7 793 आपका ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा कैलकुलेटिव था, ध्यान देंगे इस पर। अगला प्रश्न आपके खाते में जाता है, इसे ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। सभी ऑप्शंस को रखने हैं बारी बारी से, कौन सा ऑप्शन सटीक होता है देख लेंगे। यहाँ आप देखें छात्रों, इस के का तो ऐसे ही होने वाला है, और ये दोनों ऑप्शन तो गए, और जे का ऐसे होने वाला है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, और बाकी की जांच नहीं करनी। जब दो मिल गया हम लोगों को तो यहीं पर ब्रेक कर देना है काम को। ये प्रश्न, अगला प्रश्न जो है डाइस का है, 2 सतहें उभयनिष्ठ हैं, आप देख रहे होंगे 11 एंड 14 काट दीजिए, 15 के उल्टा पूछा है, 16 जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अब छात्रों इसको देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ा गौर से देखिएगा, हालांकि और तरीके हैं चलेगा, आप यहाँ गौर से देखिए। यहाँ आप देखेंगे यू, सब लोग देखिएगा इसको, यू भी एक्स सब में था, तो यू भी एक्स जैसे हम लोग डाले, TUU VXX वाई आ गया, पकड़ा गया, ऑप्शन से पकड़ा गया, क्या TUU VXX वाई कट है इसमें, देखिए ये रहा आपका आंसर। ये तो ऑप्शन से सपोर्ट मिला हम लोगों को, और यह आपके हवाले जाता है, ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इसको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न जो आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, इसे ध्यान से देखिए, टी, ये तो आसान सा लग रहा है, TU+1 HI+1 सही है, RS+1 EF+1 है, आइए ई को एफ कर देते हैं, आई को जे, जी एच एच आई, TUF JH FJH IU, ये बड़ा आसान सा प्रश्न था भाई। अगला प्रश्न फिर से आ जाता है सीरीज कॉम्प्रेशन का, इसे देखने की ज़रूरत है। आप अगर देखें तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर गुना 2 58 दूनी 116 + 1 117 लिखा, और दूसरी बार देखेंगे आप तो यहाँ गुना 2 जोड़ 3 दिखेगा, और यहाँ देखेंगे फिर से गुना 2 जोड़ 5 दिखेगा। आप देख रहे होंगे 1 3 5, तो यहाँ क्या होना चाहिए, गुना 2 जोड़ 7, और यहाँ होना चाहिए गुना 2 जोड़ 9। सॉल्व करेंगे इसको, गुना 2 जोड़ 9, 2 से गुना कर दें पहले, 1930 और 9 जोड़ दें इसमें, आपका जवाब 1939 हो जाता है। यह प्रश्न छात्रों, इस 6 का तो ऐसे होगा ना, और आप देखेंगे केवल एक में ही है, इसके बाद मेरे समझ से कोई भी जांच करना उचित नहीं है, नहीं ही करना चाहिए हम लोगों को जांच इसके बाद। अब यहाँ बी ऐसे होता है, क्या इसका ऐसे होगा, और आप गौर से देखिए एक ही ऑप्शन में बी में दिख रहा होगा, सिर्फ बी में, तो आंसर हो जाएगा वो। अब इसमें स्क्वायर्स गिनना है, स्क्वायर्स, ये बड़ा आसान सा स्क्वायर है, इसकी एक अलग से क्लास निश्चित तौर पर आयोजित होगी। आप गिनें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो गिन लिए, ये 10, ये 11 है ना, ये 12, और फिर नीचे से ये 13, और बड़ा वाला है 14, फिर से देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला 10, ये वाला 11, ये तो नीचे भी होगा, ये 12, ये 13, और एक सबसे बड़ा वाला 14।
फिर से एक क्वेश्चन सीरीज कॉम्पिटिशन का, इस सेट में सीरीज कॉम्पिटिशन के ढेर सारे प्रश्न मिल रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को, 12, 32, 123, 609। 12 में आप 3 से गुना कीजिए, 12 + 36 में 4, 32, ये तो कंफर्म हो गया। अब 32 में 4 से गुना कीजिए, 120, 8 + 128 में 5 घटा दीजिए। यहाँ गुना 3, यहाँ गुना 4, यहाँ पर निश्चित ही गुना 5 हुआ होगा, और ये -6 करके देखते हैं, 5 से गुना करते हैं, 5 + 3 = 15 के 5 बाकी 160, और इसमें से 6 गया, बिल्कुल सही। तो जवाब क्या होगा, गुना 6 और -7, 609 गुना 6 करेंगे 3654, 7 घटाएंगे 3647, 3647 आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छात्रों इस प्रकार R029 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे थे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में, जिसमें हम लोग R030 देख रहे होंगे। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।